हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की गणित, और इसमें हम प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल अनुपात ज्ञात कीजिए, और इसमें चार प्रश्न दिया गया है और चारों प्रश्न लगभग लगभग समान ही है। अगर आप एक क्वेश्चन को बना लेते हैं तो सभी क्वेश्चन को बना लेंगे, फिर भी मैं सभी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए, पहला दिया हुआ है अ में दिया है कि 4 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से, यानी उसका क्या करना है आपको, अनुपात निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अ नंबर क्वेश्चन है कि 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से, ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमको क्या करना है कि देखिए, यहाँ 14 मीटर दिया हुआ है और यह 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमको क्या करना है कि अनुपात में हमको ऐसे लिखना होता है कि 14 लिख देंगे और ये दो बिंदु देने से क्या हो जाता है, यह अनुपात कहला जाता है। अब हमको क्या करना है कि 7 मीटर क्या करना है, 7 मीटर और 35 क्या करना है सेंटीमीटर, ठीक ना, इसका अनुपात हमको निकालना है। यहाँ भी क्या है, मीटर है। अब देखिए, यहाँ पर यह मीटर में भी है और सेंटीमीटर में भी है, और यहाँ क्या है, यहाँ मीटर में दिया हुआ है। सभी को हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एक मेजरमेंट में हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको पता ही है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यानी 14 को हम क्या करते हैं कि 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से जैसे गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह भी सेंटीमीटर में बदल जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लिखते हैं अनुपात, उसके बाद यहाँ देखिए 7 दिया है तो 7 मीटर है और इसको हमको बदलना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, और इसको जब हम गुणा करते हैं तो यह भी बदल जाता है सेंटीमीटर में, और यहाँ ऑलरेडी पहले से सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम 35 सेंटीमीटर को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1400 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह 1400 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 700, ठीक ना, क्या हो जाएगा, 700, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 700 सेंटीमीटर, ठीक ना, और प्लस लिखते हैं 35 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अब आगे एक स्टेप और है। 1400 सेंटीमीटर लिखने के बाद हम अनुपात लिखते हैं, और अनुपात लिखने के बाद देखिए 700 सेंटीमीटर में हम अगर 35 सेंटीमीटर अगर हम जोड़ते हैं, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, 735 सेंटीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए, आप इस तरह से भी कटा सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको यह दिक्कत हो, तो क्या करना है कि देखिए, जो अनुपात होता है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वाला होता है और इस अनुपात का जो निशान दिया गया है ना, उससे जो फर्स्ट वाला होता है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, यानी अंश के रूप में लिखते हैं, ठीक ना, अंश के रूप में हम लिख दिया यहाँ। उसके बाद यह जो दिया हुआ है अनुपात के जो बाद वाला होता है उसको हम लिखते हैं लास्ट में, ठीक ना। यहाँ 735 हो गया, ठीक ना। अब हम इसको कटाते हैं, कटाते हैं कितना से कटाएं, हम कटाते हैं 5 से। 5 से क्यों कटाएंगे, देखिए यहाँ पर लास्ट में 0 दिया है और यहाँ लास्ट में यानी इकाई के स्थान पर 0 है और यहाँ इकाई के स्थान पर 5 है, और विभाज्यता के नियम से यह कहता है कि जिस संख्या के इकाई का स्थान क्या हो, 0 हो 5 हो, उसको हम 5 से भाग लगा सकते हैं और यह कट सकता है। तो इसको हम 5 से पहले कटाते हैं। 5 से अगर कटाते हैं इसको तो देखिए कितना बार में जाता है, तो 5 × 10, ठीक ना, 2 बार में गया, यहाँ 4 बचा, यहाँ हो गया 0 के अगर आगे हम 4 रखते हैं तो 40 हो गया, तो हो जाएगा आपका 5 × 8 = 40, यानी ये हो गया 280। इसको 5 कटाते हैं तो 5 से कम 5, यहाँ बच गया 2, और 2 को क्या करेंगे, 3 के आगे रखेंगे तो 23 हो जाएगा, और 5 × 4 = 20, बचा 3, ठीक ना, 3 बचा तो क्या करते हैं इसके आगे रखते हैं तो 35 हो जाएगा, तो 5 × 7 = 35, ठीक, यह कट गया। अब हम इसको किससे कटाएंगे, 7 से कटाएंगे। 7 से कटाते हैं तो देखिए यहाँ पर 7 से कटाते हैं तो 7 × 28, 4 बार कटा, ये 0 हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं,
और यहाँ पर देखिए सात एकम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 × 14 और 7 × 7, ठीक ना। ये क्या निकल कर आया, तो 40 ऊपर और नीचे क्या बचा है, 21 बचा है। तो हम 40/21 लिख सकते हैं, और इसी को अगर हम अनुपात में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 40/21। ये आपका क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, यानी ब नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रुपया का 80 पैसा से, यानी इसका भी क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो इसको भी ऐसे निकाल लेते हैं ब नंबर क्वेश्चन को। ब नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 रुपया का 80 पैसा, ठीक ना। तो 3 रुपया जो है, 3 रुपया, ठीक ना, और क्या किया है, का 80 पैसा, ठीक ना, 80 पैसे, ठीक। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ रुपया है और यहाँ क्या है, पैसा है। इसको भी हम क्या करते हैं, रुपये को पैसे में बदलते हैं। रुपये को पैसे में बदलेंगे तो क्या होगा, 3 में हम क्या करते हैं, कितना से गुणा करें, 100 से। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, इसलिए क्या करते हैं, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 300 पैसा हो जाएगा, यानी यह पैसे में बदल गया। और अनुपात लिखते हैं, और यहाँ पर 80 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, 80 पैसे कर दिए, तो इधर भी पैसा हो गया, इधर भी पैसा हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको हम 0 से 0 को काट दिए, इसको कटाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से कटाते हैं 4 बार में, इसको कटाते हैं 5 बार में, ठीक ना। अब कटने वाला कहीं दिख नहीं रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे बराबर में 5। देखिए 5 बचा है, यहाँ 3 बचा है, तो 5 × 3 = 15, यानी 15, और अनुपात कितना बचा, 4 बचा। तो ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 150 किलो का 210 किलो से, ठीक ना। हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ भी वैसे बनाएंगे। 100 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक ना, कि 150 किलोग्राम, ठीक ना, किलोग्राम का कितना, 210 किलोग्राम, ठीक, 10 किलोग्राम। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 150 लिखा हुआ है और अनुपात लिखते हैं हम यहाँ 210 लिखते हैं। इस 0 से हम इस 0 काट दिए, यहाँ देखिए क्या है, 3 से ये कट जाएगा, यह भी 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटाते हैं, यह 5 बार में कटेगा और यह 7 बार में कटेगा। इसका आंसर क्या हो गया आपका, 5/7 हो गया। अब यहाँ पर हम 2 नंबर क्वेश्चन, यानी 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। लिखा हुआ है कि 2 घंटे का 50 मिनट से, क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर में लिखा है कि 2 घंटे का 50 मिनट में, ठीक ना, क्या लिखा हुआ है, मिनट में, यानी मिनट से, ठीक। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि 2 लिखते हैं, ठीक ना, और घंटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, घंटा, और अनुपात लिखते हैं 50 मिनट, ठीक ना, क्या लिखा हुआ है, मिनट। अब यहाँ भी देखिए 2 घंटा है और यहाँ मिनट है, तो हम क्या करेंगे, इस घंटे को मिनट में बदलेंगे, ठीक ना, तभी दोनों जगह क्या हो जाएगा, इधर भी मिनट हो जाएगा और इधर भी मिनट हो जाएगा। तो 2 में हम कितना से गुणा करें, 100 से गुणा करेंगे, नहीं, इस बार हम क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसलिए हम 60 से गुणा कर दिए। और हम इस अनुपात को यहाँ पर लिखते हैं और 50 यह लिख देते हैं, यह भी मिनट में हो गया और यह भी मिनट में हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको कटाते हैं, कट गया यहाँ, अब यह कहीं भी कटने वाला नहीं दिख रहा है, इसलिए कहा जाएगा 6 × 12 / 5। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पे अ जो दिया है, इसका कौन सा, 2 का अ दिया है कि 3:25। तो अभी इस जो अनुपात में दिया हुआ है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे लिख देंगे, तो 3/ इसको हम 25 लिख देंगे। अच्छा, इसको जब प्रतिशत में बदलना होता है तो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग कि 100 से गुणा कर देते हैं। एक बात आप जान लीजिए कि अगर कोई संख्या भिन्न में दिया होगा और उसको कहे कि प्रतिशत में बदलिए, तो हम क्या करते हैं कि 100 से गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ प्रतिशत में दिया हुआ है, जैसे 25% दिया हुआ है, ठीक ना, 25%, अगर इसको कह दे कि आप इसको भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदलने के लिए जानते हैं क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, 25 लिख करके आप बटा में 100 लिख देते हैं, क्या करते हैं,
100 लिख देते हैं, यानी 100 से भाग देते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया कि भिन्न में पहले से था और हमने क्या किया 100 से गुणा कर दिया। यहाँ पर प्रतिशत में पहले था और हमको भिन्न में बदलना है तो क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर भिन्न में दिया होगा और हमको क्या करना होगा प्रतिशत में बदलना होगा तो गुणा करेंगे, और अगर प्रतिशत पहले ही से दिया हुआ है और उसको भिन्न में बदलना है तो हम क्या करते हैं वहाँ पर भाग देते हैं। समझ आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 25 से हम इसको कटाते हैं, कर्म कटेगा 4 बार में, और यह क्या हो जाएगा आपका 25 से, अब इस यहाँ पर क्या होगा 4 से हम 3 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12%, ये आपका आंसर हो गया। फिर दूसरा देखते हैं, यानी जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 16:25, इसको भी क्या करेंगे उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 16/25 लिख देंगे, और हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, और गुणा करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है, यह 4 बार में कटेगा और हम 16 में 4 से गुणा कर देंगे तो 16×64 क्या हो जाएगा 16×64% आपका ये आंसर हुआ। अब 100 नंबर में है, 100 का कह रहा है, 100 भी उसी तरह से दिया हुआ है 3:16, इसको हम लगाते हैं, इसको हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 3/16 और गुणा कर देंगे हम 100। अब इसको कटाते हैं, 4 से कटाते हैं, 4 बार में कटा, इसको 4 से कटाएंगे, यह कटेगा 25 बार में, ठीक ना। अब यहाँ क्या होता है 25 को हम 3 से क्या करते हैं गुणा करते हैं, क्या होगा 75 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 4 है, 4 से हम भाग कर दिया। इसको अगर हम कटाते हैं तो क्या हो जाएगा, कटा कर देखते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए 4 से हम भाग लगाते हैं 7 में, कई बार में कटेगा 4×4। देखिए यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर एक भाग लगा कर दिखला देते हैं कि किस तरह से हम अगर बट्टा में दिया होगा तो उसको हम दशमलव में बदलते हैं। अगर कोई संख्या भिन्न में दिया हो और उसको दशमलव में बदलना होता है तो किस तरह से बदलते हैं, अगर आपको यह पता है तो बहुत आसानी से बनेगा, अगर नहीं पता है तो उसको भी हम यहाँ बता देते हैं कि 75 लिखेंगे, यानी जो ऊपर का है यानी अंश है उसको लिखते हैं हम यहाँ पर, ठीक ना। और 4 से हम क्या करते हैं, 4 से हम भाग लगाते हैं तो एक बार में जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये घटेगा तो 7×4 गया 3, और यहाँ 5 हमने यहाँ पर उतार दिया। अब इसको कटाते हैं तो 4×7=28, 4×8=32, ठीक ना, यहाँ आ गया 32, यहाँ क्या बचा 3 बचा, यहाँ पे यह कट गया। जैसे यहाँ दशमलव बैठाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब इसको हम भाग लगाएंगे, कब कटेगा तो 7 बार में जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब यह घटता है 2 और यहाँ पर कट जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, दशमलव से क्या हो जाएगा इसको 0 मिल जाएगा, यह क्या हो गया अब 20 हो गया, और 4 से हम भाग लगाएंगे, 5 बार में कटेगा, यहाँ पर 20 हो गया, यह कट गया, क्या आ गया आंसर आपका 18.75, क्या आ गया आंसर आपका 18.75, यह आपका आंसर आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। यानी देखिए यहाँ पर टोटल कितने छात्र हैं, तो टोटल 60 विद्यार्थी हैं, ठीक ना। उसमें से कह रहा है कि 40% ही बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं रुचि रखते हैं, किसमें, तो विज्ञान के विषय में, ठीक ना। तो कह रहा है कि कितने लोग रुचि नहीं रखते हैं यानी कम रुचि रखते हैं उसको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 60 का हम 40% निकाल लेते हैं, कितना 60 का 40%, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे जो हैं, कितने छात्र जो हैं वह विज्ञान में रुचि रखते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम निकाल लेंगे कि कितने लोग कम रुचि रखते हैं। तो देखिए क्या होगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि हम क्या करते हैं कि 60 जो है 60 विद्यार्थियों का हम 40%, ठीक ना, 40%, 40 लिख करके और नीचे हम लिखेंगे 100, ठीक ना, तो यह हो जाएगा आपका 40%, ठीक ना। तो 40% जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं विज्ञान में रुचि रखते हैं, तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि विज्ञान विषय में क्या रुचि रखने वाले
रखने वाले छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, ठीक ना, संख्या बराबर हो जाएगा आपका। इसको हम कटाते हैं, यह जीरो से यह जीरो कट गया, ये से जीरो से इस जीरो को काट दिए। अब यहाँ देखिए, छः चौके 24, यानी 24 जो छात्र हैं यानी विद्यार्थी जो हैं ये क्या करते हैं, ये विज्ञान में रुचि रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल विद्यार्थी जो हैं वह 60 हैं और रुचि कितना रख रहे हैं, उसमें 24 ही रख रहे हैं। तो जो रुचि नहीं रख रहे हैं उनको क्या करेंगे हम, यह 60 में से घटा लेंगे। यानी देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि रुचि, ठीक ना, रुचि नहीं, यानी कि यह लिख देंगे कम कम रखने वाले विद्यार्थी, ठीक ना, लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या, ठीक ना, किस में, विज्ञान में, यहाँ लिख देते हैं विज्ञान में, विज्ञान में कम रुचि रखने वाले या रुचि कम रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा। टोटल कितने थे तो 60 थे और 60 में से हम क्या करते हैं यहाँ पर 24 को घटा लेते हैं तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पर आपका 36 जो है विद्यार्थी हो जाएंगे, ठीक ना। इस तरह से आपका यह जो है प्रश्न बन गया। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं, उसे 225 अंक मिले जो कि 33% से 6 अंक कम थे, बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी है वह परीक्षा देने जाता है, जिसको कितना अंक मिलता है, उसको मिलता है 225 अंक मिलता है, लेकिन वह पास नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसको 6 नंबर नहीं मिला, यानी 6 नंबर कम मिला है, 225 मिला है, लेकिन उसको लाना कितना था, उसको लाना था 33%, ठीक ना, 33% लाना था, लेकिन 33% नहीं ला पाया, कितना कम हो गया, तो 6 नंबर कम उसको मिला है। अब 6 नंबर कम मिला है यानी कहने का मतलब कि 225 में हम अगर 6 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता, 33% हो जाता और वह लड़का पास कर जाता, यानी उत्तीर्ण हो जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं मिला है 6 नंबर, लेकिन बताना क्या है आपको, बताना है इस प्रश्न में कि उसको कितना टोटल मार्क्स का वह परीक्षा था, यानी टोटल वहाँ पर बताना है कि परीक्षा में पूर्णांकों की संख्या क्या थी, ठीक ना। अब देख लीजिए यहाँ पर हम बनाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ हम मान लेते हैं कि माना कि पूर्णांकों की संख्या, पूर्णांक बराबर x, ठीक ना, x कह रहा है। अब कह रहा है कि इसी का, यानी जो x मान लीजिए है, इसी को हमको निकालना है। कह रहा है कि इसका अगर 33% वह ला देता लड़का तो वह पास कर जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होता है कि x का वह 33% को इस तरह से लिखेंगे, 33% अगर ला देता तो वह पास कर जाता, लेकिन लाया कितना है, वह लाया है 225 अंक ही लाया है, ठीक ना। इसको कम कितना था, इसको कम पड़ गया था 6, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें हम 6 नंबर जोड़ दें तो यह और यह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लड़का पास कर जाएगा, ठीक ना। अब हम देखिए यहाँ बनाएंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे। एक्स का मान निकालने से पहले इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो एक्स बराबर यानी एक्स गुणे हो जाएगा 33, ठीक ना, 33/100 बराबर, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका 231, ठीक ना। अब 231 आ गया, अब हम क्या करेंगे कि एक्स को यहीं पर छोड़ेंगे, ठीक ना, और बाकी सबको उधर लेके जाएंगे, यानी एक्स का हमको औकात निकालना है। किसी भी लड़के का, किसी भी व्यक्ति का अगर औकात जांचना हो ना, तो उसको क्या करते हैं, उसको अकेले छोड़ देते हैं। अकेले छोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि उसको कितना औकात था। उसी प्रकार से यहाँ पर हम एक्स को क्या करते हैं, अकेले छोड़ेंगे, और अकेले छोड़ने के लिए क्या करेंगे, बाकी सबको इस बराबर के उधर लेकर के चल जाएंगे। उधर लेके जाते हैं तो एक्स यहीं लिख देंगे, और बराबर क्या होता है यहाँ पर 231 लिखने के बाद जब इधर वाले संख्या को उधर लेके जाते हैं तो ये क्या संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा, 100 ऊपर चल जाएगा और 33 नीचे आ जाएगा, ठीक ना। अब हम इसको कटाते हैं, कितना से कटाते हैं, कितना से कटाएं, तो 3 से कटा कर देखते हैं एक बार। 3 से कटाते हैं तो इसको कटाएंगे तो यह हो जाएगा 11, यहाँ 3 से कटाते हैं
तीन सतह 21 ठीक ना, यहाँ बच गया दो, और दो जो है इसके आगे रख देंगे यानी एक के आगे रख देंगे तो यह भी 21 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 सतह 21 यानी 77 हो गया। अब इस 11 से इसको कटाते हैं तो 7 बार में कट गया, यहाँ पर देखिए 7 बचा है और इस 7 में 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू हमको 700 निकल के आ गया और पूर्णांक भी इतना ही था ठीक ना, ये आपका निकल गया कि 700 उसका पूर्णांक था। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है ठीक ना। तो एक बार देखते हैं हल करके, 8 बजे से 4 बजे तक कितना घंटा होता है, 8 घंटा होता है। तो हमको क्या करना है कि वह कह रहा है कि वह अपने निवास स्थान पर कितना व्यतीत करता है, व्यतीत मतलब कि कितना समय वह अपने घर पर रहता है ठीक ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 24 में से अगर हम 8 घटा दें तो हमको पता चल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह अपने घर पर कितना देर रह रहा है और ठीक ना, तो सबसे पहले हमको यह पता चल गया कि वह अपने घर से बाहर कितना रह रहा है, तो वह अपने घर से बाहर 8 घंटा रह रहा है, तो 24 में से हम क्या करेंगे, 24 में से 8 हम घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ठीक ना, 16 घंटा हो जाएगा। तो 16 घंटे जब वह घर पे रह रहा है तो इसी को कह रहा है वहाँ पर निकालने के लिए ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है प्रतिशत, तो हम करेंगे यह कि 16 को ऊपर लिखेंगे क्योंकि 16 घंटा ही वो अपने घर पे रह रहा है, कितने घंटे में से रह रहा है तो 24 घंटे में से रह रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 24 लिखेंगे और हम 24 से हम यहाँ और हम यहाँ पर 100 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब कटाते हैं इसको, हम 4 से कटाते हैं तो 4 से यह कटा 4 बार में, यह कटेगा 6 बार में ठीक ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको और फिर कटाते हैं, यह कटेगा 2 से कटाते हैं तो 3 बार में, इसको कटाते हैं यह होगा 50 ठीक ना। अब यह क्या हो जाता है कि 50 में 4 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा और यहाँ पे 3 है तो 3 से भाग लगा देंगे, जैसे भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 66.2/3%, ये आपका आंसर होगा। लेकिन आपकी किताब में क्या दिया हुआ है, आपकी किताब में दिया हुआ है 33.1/3। देखिए तो यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर देखिए उसको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा गड़बड़ किया है, अगर वह यहाँ पर लिखता कि वह अपने निवास स्थान से बाहर कितना देर व्यतीत करता है उसका प्रतिशत निकालना है तब वह आता ठीक ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर कह रहा ना कि अपने घर से 8 बजे निकलता है और 4 बजे घर आता है, यानी वह अपने घर से बाहर रहता है 8 घंटा ठीक ना, 8 घंटा रहता है। तो अगर निकालना होता ना कि बाहर कितना देर रहता है तब वह आंसर आता है, एक बार उसको भी देख लेते हैं, अगर बाहर रहने वाला अगर निकाल देता तो, अगर बाहर वाला पूछ देता तो बाहर ठीक ना, बाहर यहाँ लिखते हैं बाहर समय ठीक ना, समय बिताने का बिताता है, समय बिताता है, बाहर समय बिताता है कितना तो 8 घंटा, 8 घंटा बिताता है, दिन कितने घंटे का होता है तो 24 घंटे का होता है और 24 में क्या करेंगे यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ देखिए 8 × 24 ठीक ना, अब यहाँ पर 100 है नीचे 3 है, अगर हम यहाँ पे 100 में 3 से अगर भाग लगाएं तो इसको कटाएंगे ना तो यहाँ पर आएगा 33.1/3%, समझ में आ गया। अगर पूछता कि बाहर कितना है तब यह आपका आंसर आता, और यहाँ पर पूछा क्या है, यह कहा है कि घर पर कितना समय व्यतीत करता है तो उसका आंसर होगा यह। आपके प्रश्न में क्या किया गया है, ये पूछा गया है कि वह घर पर कितना समय बिताता है और आंसर जो है वह दे दिया है बाहर वाला, यही यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ कहा है ना कि दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि दूसरी संख्या ठीक ना, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ पर लिखते हैं कि दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर हम मान लेते हैं 100 ठीक ना, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा बताइए, तो पहली संख्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर हो जाएगा इसी 100 में क्या करेंगे, देखिए कहा ना कि इससे वह 20% अधिक है, तो 20% अधिक है किसका, दूसरी संख्या से, तो हम क्या करेंगे
तो मान लीजिए यह 100 होगा और 100 के बावजूद भी इसका 20% वह क्या होगा, अधिक होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि 100 तो था वह, लेकिन वह क्या है, 20% अधिक है। अधिक है इसका मतलब हो गया कि 100 में हम क्या करेंगे, 100 का हम 20% निकाल लेंगे, ठीक ना। 20% निकाल के उसमें हम जोड़ देंगे, तो 100 का हम 20% निकाल लेंगे और 100 में जोड़ देंगे, तो पता चल जाएगा कि दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना अधिक था। तो यहाँ पर देखिए हल करते हैं, 100 लिख दिया हमने और इसका अगर हम निकाल लें इस तरह से कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए 2 में 10 से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर निकल के आ गया 120, ठीक ना। यह पहली संख्या हो गया और यह दूसरी संख्या हो गया। इसको पहले निकाल लेते हैं कि पहली संख्या से दूसरी संख्या कम है कितना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 120 में से हम 100 घटा लेंगे, तो हमको निकल गया कि यह 20 कम है, ठीक ना। तो जब 20 कम है तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक ना, कि 20 बटा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली संख्या के बाद क्या है ना, तो पहली संख्या देखिए क्या है, पहली संख्या क्या है 120 है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 120 और प्रतिशत निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 100, ठीक। अब यहाँ पर हम इसको कटाते हैं, इसको ऐसे हमने कटा दिया और इसको हमने इस तरह से कटा दिया, ये क्या हो जाएगा, 2 से कटाएंगे यहाँ 6 हो जाएगा, तो हम 2 से कटाते हैं तो 3 बार में, इसको कटाते हैं तो यह आपका हो जाएगा 50 बार में। अब 50 में हम क्या करेंगे, 50 में हम 3 से भाग लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको कटाएंगे इस तरह से तो हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और यहाँ पर बच गया 2, तो 20 हो जाएगा, 3 6 18, तो 2 बच गया, तो 2/3 आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रतिशत, ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पहली बार आए हैं। अगर पहले से आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।